उत्तर भारत के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक लगने वाले वार्षिक चैत्र मास मेलों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला उपायुक्त एवं चेयरमैन मंदिर न्यास देवश्वेता बनक ने बताया कि सभी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के भले श्रद्धालुओं को ही बाबा बालकनाथ के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी और मंदिर में मेलों के दौरान 24 घंटे हेल्थ डिस्पेंसरी चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि मेलों के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा और इस बार मंदिर के नज़दीक लगने वाले निजी लंगरों व जागरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में दिन में 2 बार पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड-19 के बाद पहली बार बाबा बालकनाथ मंदिर में आयोजित हो रहे चैत्र मेलों में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि बाबा के दर्शन करने आने वालों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। हमीरपुर जिला प्रशासन व मंदिर न्यास ने मेलों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे दिशा निर्देशों के तहत श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के इंतजाम पर बैठक में चर्चा की गई। गौरतलब है कि हर साल आयोजित होने वाले चैत्र मेलों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए के चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। गत वर्ष कोविड के चलते मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। उपायुक्त एवं चेयरमैन मंदिर न्यास देवश्वेता बनक ने बताया कि चैत्र मास मेलों के लिए न्यास ने सभी तैयारियों को प्रदेश व केंद्र सरकार की SOP के तहत पूरा कर लिया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर के आगमन द्वारा थर्मल चेकिंग सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जाएगा। जिन लोगों में कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं उनके लिए अलग आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। इस बार हमारा बाबा बालकनाथ ज्योतिसिद्ध जो मंदिर है उसमें चैत्र मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये कोविड के पूरे वर्ष के बाद पहला ऐसा बड़ा आयोजन जो है उस मंदिर में किया जाएगा, तो इसके तहत हमने एडिशनल जो है सावधानियां इस बार बरतने की तैयारी की है। इसके चलते जो है विभिन्न जो अलग अलग हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं जो बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर से जहां जहां से श्रद्धालु आते हैं वहां पे थर्मल स्कैनिंग और ओवरऑल हेल्थ जाँच की जो है वो शिविर लगाई जाएगी और जो एसिम्प्टोमेटिक और बिल्कुल ठीक श्रद्धालु हैं उन्हीं को ही अंदर घुसने का जो है परमिशन दिया जाएगा। सिम्टोमेटिक या जिसके टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सर्दी जुखाम से ग्रसित कोई इस तरह का श्रद्धालु अगर होगा तो उनको घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके लिए अलग से आइसोलेशन केंद्र वहीं पे एंट्री एग्जिट के जगह पे ही जो है बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी 24 घंटे जो है डिस्पेंसरी भी चालू रहेगी ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी को भी कोई बीमारी या कोई भी और तबीयत खराब होने की कोई भी कंप्लेंट होती है तो वो तुरंत जो है मेडिकल फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी विभिन्न SOPs जो हैं मेले या रिलीजियस वर्शिप के प्लेसेस के लिए जो जो जारी किए गए हैं उनके तहत जो है सारे प्रक्रिया की जाएगी। मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाने वाले लंगरों व जागरण पर उपायुक्त ने बताया कि मंदिर परिसर में सरकार द्वारा लगाए जाने वाले लंगर पहले की तरह काम करेगा और वहां काम करने वालों का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। उन्होंने कहा कि निजी लंगर व जागरण के लिए इस बार कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि न्यास का प्रयास रहेगा कि कहीं भी लोगों की भीड़ एक समय में एकत्रित ना हो जिससे संक्रमण का खतरा पैदा ना हो। मंदिर का लंगर सुचारू रूप से चलाया जाएगा लेकिन जितने लोग लंगर में खाना वगैरह बनाएंगे मंदिर के खुद के कर्मचारी होंगे उन सभी की पहले कोविड टेस्टिंग हम आपस में ही अपने में करवाएंगे ताकि खाना परोसने वाले और खाना बनाने वालों से कोई आशंका ना हो बीमारी फैलने की। लेकिन मंदिर के जो इलाका है उसके इर्द गिर्द निजी लंगर या निजी जागरण करवाने की अनुमति इस बार हम नहीं देंगे क्योंकि हमें कम से कम जो है भीड़ इकट्ठा करने की जगहें और कोविड फैलने के ऐसे जो पॉइंट्स हो सकते हैं उनको मिनिमाइज करना है तो इस साल उस चीज़ की अनुमति नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो टेम्पल है वो 24 घंटे खुला रहेगा ताकि कहीं किसी भी समय पे भीड़ एक जगह एकत्रित होके रुक ना जाए। मंदिर की 2 बार मिनिमम पूरे दिन में 2 बार जो है अच्छी तरह से पूरे परिसर की सैनिटेशन की जाएगी और इसी के साथ साथ सारी जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी कि कहीं भी भीड़ या बॉटलनेक्स जो है क्रिएट ना हो और लोग सुचारू रूप से आते जाएं और दर्शन करके जो है अपने जो भी अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करके जो है वो जाते जाएं। तो इसी